हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक बार फिर से वेक्टर्स फूड आईपीओ के ऊपर बात करने जा रहे हैं। और ये आईपीओ आपका 15 दिसंबर को ओपन हुआ था और आज इसके सब्सक्रिप्शन का दूसरा दिन है। और दूसरे दिन भी इस आईपीओ हमें जबरदस्त और बम्पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। और दूसरे दिन इस आईपीओ का रिटेल पोर्शन 16.83 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इससे आप इस आईपीओ का कितना जबरदस्त डिमांड है उसका अंदाजा लगा सकते हैं। और इस आईपीओ से हमें बम्पर प्रॉफिट भी मिलने वाला है लिस्टिंग गेन्स के रूप में। और साथ ही साथ ग्रे मार्केट इन डब्बा बाजार में इस आईपीओ का क्या रेट है उसके ऊपर भी हम इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। तो अगर आपने इस आईपीओ के लिए अप्लाई किया है या फिर अप्लाई करने की सोच रहे हैं या फिर इस आईपीओ को लेके इंटरेस्टेड है, एक बार आप इस वीडियो को जरूर वॉच कर ले, क्योंकि यहाँ से आपको इस आईपीओ से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। चलिए अब हम इस आईपीओ के डिटेल्स को देखते हैं। तो इसके लिए हम एक वेबसाइट equity2commodity.in ओपन करते हैं। जब आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो होम पेज में ही आपको वेक्टर्स फूड आईपीओ दिख जाएगा। इस पे आपको क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होगा और यहाँ पे आपको वेक्टर्स फूड आईपीओ का कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगा। और इसके ऊपर हमने वीडियो भी बना रखा, तो इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल equity2commodity पे विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। यहाँ पे हमने वेक्टर्स फूड आईपीओ का डिटेल एनालिसिस करके बताया कि इसमें आपको एग्जैक्टली क्या करना, जिसमें हमने इसके फाइनेंशियल डिटेल्स, कंपनी ओवरव्यू सब के बारे में डिस्कस किया। तो चलिए अब हम डायरेक्ट इसके सब्सक्रिप्शन डिटेल्स और ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखते हैं। उससे पहले यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि देख सकते हैं ये आईपीओ आपका 15 दिसंबर को ओपन हो गया था और कल यानी 17 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। इसका जो प्राइस बैंड है वो है 286 रुपीज से लेके 288 रुपीज पर शेयर और लॉट साइज है 50 शेयर्स का। तो चलिए डायरेक्ट अब हम नीचे चलते हैं और इसके सब्सक्रिप्शन डिटेल्स को देखते हैं। तो यहाँ पे आप वेक्टर्स फूड आईपीओ का सब्सक्रिप्शन डिटेल्स देख सकते हैं एज ऑन 16 दिसंबर टिल 5 PM। तो पहले दिन ये आईपीओ आपका ओवरऑल 3.72 टाइम सब्सक्राइब हुआ था, जबकि पहले दिन इसका रिटेल पोर्शन 6.83 टाइम सब्सक्राइब हुआ था। तो पहले दिन ही इस आईपीओ में बम्पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था। दूसरे दिन की बात करें तो दूसरे दिन रिटेल पोर्शन इसका 16.36 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और ओवरऑल ये आपका 11.40 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो दूसरे दिन भी हमें बम्पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला, जबकि अभी QIB और NIA जनरली एंट्री नहीं मारा। तीसरे दिन जब QIB और NIA एंट्री मारेंगे तो ये आपका एटलीस्ट 50 टाइम्स जरूर सब्सक्राइब होगा और रिटेल पोर्शन भी आपका 30-40 टाइम्स जरूर सब्सक्राइब होगा। तो आईपीओ का साइज काफी छोटा सा है, तो इसमें आपको अलॉटमेंट मिलने की प्रोबेबिलिटी काफी कम रहेगी। अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो इस आईपीओ से आपको अच्छा खासा लिस्टिंग गेन्स भी जरूर मिलेगा। कितना लिस्टिंग गेन्स मिलेगा वो हम आगे देखते हैं, लेकिन इस आईपीओ समय अच्छा खासा लिस्टिंग गेन्स जरूर मिलेगा। तो यहाँ पे हम कल यानी 30वें दिन भी लाइव मार्केट में सब्सक्रिप्शन डिटेल्स अपडेट करेंगे। तो इसके लिए आप हमारे वेबसाइट equity2commodity पे रेगुलर विजिट करके आप लाइव सब्सक्रिप्शन डिटेल्स देख सकते हैं और उसके बेसिस पे भी आप चाहो तो आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर अभी तक आपने इस आईपीओ के लिए अप्लाई नहीं किया है तो। तो चलिए अब हम ड्रैग करके नीचे की तरफ चलते हैं और यहाँ पे हम वेक्टर्स फूड आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को चेक करते हैं। तो 14 दिसंबर को इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम था 200 रुपीज पर शेयर, 15 दिसंबर को इंक्रीज हो गया 230 रुपीज पर शेयर और आज यानी 16 दिसंबर को फिर इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में थोड़ा सा डिक्रीज देखने को मिला और ये डिक्रीज हो गया 213 रुपीज पर शेयर। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रे मार्केट प्रीमियम भी डेली अपडेट होता है, तो डेली आप हमारे वेबसाइट equity2commodity.in पे विजिट करके वेक्टर्स फूड आईपीओ को ओपन करके पेज के बॉटम में आके आप ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक कर सकते हैं। तो कल के अकॉर्डिंग ग्रे मार्केट प्रीमियम में गिरावट जरूर देखने को मिला, यानी इसका जो डिमांड है डब्बा बाजार में वो थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, इसलिए प्राइस में गिरावट देखने को मिला और अभी भी यहाँ से हम बम्पर लिस्टिंग गेन्स का उम्मीद कर सकते हैं। तो कितना लिस्टिंग गेन्स मिलेगा इसके लिए हम 213 × 50 करते हैं, तो यहाँ पे आपका 10,500 के करीब लिस्टिंग गेन्स मिलता हुआ दिख रहा है एज ऑन 16 दिसंबर वेक्टर्स फूड के आईपीओ से। और किस प्राइस पे लिस्ट हो सकता है, इसका अपर प्राइस बैंड है 288, तो उसमें आप यहाँ पे 213 ऐड कर दें तो ये आपका 501 के प्राइस पे लिस्ट हो सकता है, यानी ये आपका 450 से लेके 550 के बीच में मार्केट में लिस्ट हो सकता है और अभी के अकॉर्डिंग ये आपका 50-80% के प्रीमियम पे मार्केट में लिस्ट हो सकता है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम में थोड़ा सा गिरावट देखने को जरूर मिला, लेकिन अभी भी काफी ज्यादा है और इस आईपीओ से हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपका 10,000 के करीब लिस्टिंग गेन जरूर मिलेगा। जैसा बर्गर किंग का आईपीओ का लिस्टिंग था वैसा लिस्टिंग तो नहीं होगा, लेकिन इसका भी लिस्टिंग काफी बेहतरीन होगा। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमें यही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना था कि दूसरे दिन भी इस आईपीओ में बम्पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला और ग्रे मार्केट में इसका कैसा डिमांड रहा, वो सब मैंने यहाँ पे आपको डिटेल से बता दिया।
तो आई होप यहाँ पे आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस आईपीओ से रिलेटेड अभी भी कोई डाउट या फिर क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहां पे आपको आंसर किया जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके हमें इनकरेज करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।